ये जो गाड़ी है ये आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ मिलती है, क्योंकि ये गाड़ी जब आई थी तो उस टाइम क्या हुआ कि इस गाड़ी की हाइप बनी थी कि इस गाड़ी का टेल गेट जो है वो फाइबर का है, लेकिन जब इस गाड़ी ने क्रैश टेस्ट में 5 स्टार अचीव किए तो सबके जो है होश उड़ गए थे। हेलो कार्स एंड फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एक बार फिर से जो है हम आपके लिए लेके आ चुके हैं महिंद्रा की गाड़ी। ये है महिंद्रा XUV700, सबसे टॉप एंड वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको सामने ये खड़ा है। ये डीजल वेरिएंट है जो कि है AX7 लग्जरी। आज की इस वीडियो में हम इस गाड़ी की सारी ही डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। XUV700 में जो है आपको दोनों ही इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला पेट्रोल और दूसरा डीजल। ये जो वेरिएंट खड़ा है आपके सामने ये है डीजल। कलर्स की बात करें तो MX सीरीज में जो है आपको टोटल 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं और AX सीरीज में आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन मिलते हैं। ये है दार्जिलिंग सिल्वर। अब बात करते हैं इसके हेडलैम्प सेटअप की। हेडलैम्प सेटअप आप देख सकते हैं कितने बिग एंड बोल्ड लुक के साथ आपको मिलते हैं। ऊपर आपको 10 इंडिकेटर मिलते हैं जो कि LED सिक्वेंशियल है। नीचे जो है आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं जो कि बूस्टर ऑप्शन के साथ मिलते हैं। मींस 80 की स्पीड से ऊपर जाते ही गाड़ी जो है बूस्टर मोड में आ जाती है और हेडलैम्प की जो पावर है वो एक्स्ट्रा आपको मिलती है। DRL जो है वो आपको काफ़ी यूनिक मिलते हैं और देखने में काफ़ी ज़्यादा हैवी और मस्कुलर लुक जो है गाड़ी को प्रोवाइड करते हैं। नीचे जो है आपको LED फॉग लैम्प सेटअप मिलता है। इस गाड़ी में जो है आपको ADAS का ऑप्शन भी मिलता है। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको रेडार दिया गया है, कैमरा वेस। फ्रंट में आपको 6 स्लॉट ग्रिल जो है वो मिल जाती है। बीच में आपको महिंद्रा का न्यू ट्विन पीस लोगो और नीचे जो है आपको फ्रंट कैमरा दिया हुआ है। नीचे जो है आपको डार्क ग्रे कलर में जो है स्किड प्लेट मिल जाती है। ऊपर जो है आपको रेडार मिल जाता है और ये है रजिस्ट्रेशन प्लेट का ऑप्शन। और बात करें इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की तो वो आपको मिलता है 200 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ जो है आपको टायर साइज भी काफ़ी अच्छा मिलता है। इसमें जो है आपको 18 इंचज़ के एलॉय व्हील मिलते हैं जो कि है डायमंड कट। टायर साइज़ की बात करें तो आपको मिलता है 235/60R18 का टायर साइज़। टायर की जो ग्रिप है वो भी काफ़ी अच्छी है। टायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है जिसके चलते जो रोड ग्रिप है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। डायमेंशंस जो है वो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। गाड़ी के जो डायमेंशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो स्कॉर्पियो N से भी ज़्यादा है। ORVM जो है वो आपको बॉडी कलर मिलते हैं और इसी के ऊपर जो आपको 10 इंडिकेटर मिल जाता है। नीचे जो आपको साइड कैमरा मिल जाता है क्योंकि इस गाड़ी में जो है आपको 360 डिग्री कैमरा जो है वो ऑफर किया जाता है। ये जो ORVM है ये ऑटो फोल्डिंग फंक्शन के साथ मिलते हैं। साथ ही में आप जो इनको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं अंदर से, आप देख सकते हैं। डोर हैंडल्स जो है वो आपको इलेक्ट्रिकली मिलते हैं। मीन्स गाड़ी को फर्स्ट टाइम लॉक करने पर जो है सिर्फ ड्राइवर साइड डोर हैंडल जो है वो बाहर आएगा और जब गाड़ी को आप सेकेंड टाइम अनलॉक करेंगे तो चारों ही डोर्स जो है वो आपके ओपन हो जाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ी का जो साइड लुक है वो कितना ज़्यादा अच्छा है। आपको जो है प्रॉपर लग्जरी गाड़ी जो है ये मिलने वाली है। और अगर इसके कंपटीशन की बात करें तो इसके कंपटीशन में आती है टाटा की सफारी या फिर हुंडई की एल्कज़ार। लेकिन एल्कज़ार जो है उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है। टाटा सफारी जो है वो फिर भी इस गाड़ी के साथ अच्छा खासा कॉम्पिटिशन जो है वो अपना रखती है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की, क्योंकि इस गाड़ी का लुक तो आपको अच्छा मिलता ही मिलता है, इसमें जो है आपको इंजन भी काफ़ी अच्छा मिलता है। इसमें आपको डीजल इंजन मिलता है, पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन आज सिर्फ डीजल इंजन के बारे में हम आपको बताएंगे। डीजल इंजन जो है वो आपको 2200 cc का मिलता है, मीन्स 2.2 लीटर का, जो कि 183 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 450 Nm का टॉर्क जो है वो आपको जनरेट कर देता है। एवरेज की बात करें तो इस इंजन से जो है आप आराम से 17 से 18 की एवरेज जो है वो निकाल सकते हैं। दोस्तों हमने आपको दिखाया कि गाड़ी फ्रंट से कितनी ज़्यादा लग्जरी है, साइड से कितनी ज़्यादा लग्जरी है, और ये जो गाड़ी है इसका रियर लुक जो है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस गाड़ी का जो रियर लुक है वो इतना ज़्यादा स्पोर्टी है, इतना ज़्यादा लग्जरी है कि मैं खुद इसका फ़ैन हूँ रियर लुक का। सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है बॉडी कलर्ड। रूफ रेस्ट जो है वो आपको सिल्वर फिनिश में मिलती है। पीछे का जो ग्लास है उसमें जो आपको डिफोकर भी मिल जाता है और रियर वाइपर विथ वॉशर भी मिल जाता है। LED जो है आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है। स्पॉइलर जो है वो भी आपको दिया हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे स्पॉइलर को जो है रियर ग्लास से कितने अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया हुआ है। उसके अलावा बात करें बूट की तो ये जो बूट है ये फाइबर का है। इसके आप देखेंगे कि न्यू महिंद्रा का ट्विन पीस लोगो जो है वो आपको मिल जाता है। नीचे आपको बटन दिया हुआ है जिससे जो है आप बूट एक्सेस कर सकते हैं। कैमरा जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है और LED बेस टेल लाइट सेटअप जो है
वो आपके इसके टॉप वेरियंट में मिल जाते हैं। एक सेवन में भी मिलते हैं, लेकिन उसमें जो है इंडिकेटर आपको सिक्वेंशियल नहीं मिलता। यहाँ पे आप देखेंगे सिक्वेंशियल इंडिकेटर जो है वो आपको दिया हुआ है। यहाँ पे जो है ब्रेक लाइट जो है वो भी आपको LED स्ट्रिप में मिल जाती है, रिवर्स गियर की लाइट जो है वो भी आपको मिल जाती है, साथ ही में पार्किंग बल्ब जो है वो भी आपको दिया हुआ है। पीछे जो है आपको टोटल दो रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है वो मिल जाते हैं। रियर स्किड प्लेट जो है वो भी आपको सेम फ्रंट की तरह ग्रे कलर में जो है वो मिल जाती है। रियर फोग लैम्प्स जो है वो आपको मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर बेस। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया हुआ मिलेगा आपको, जो कि देखने में कहीं ना कहीं स्पोर्टी लुक जो है वो गाड़ी को प्रोवाइड करते हैं। राइट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको XUV700 की बैजिंग मिलती है। 700 जो है वो ब्लू कलर के साथ हाईलाइट किया हुआ मिल जाता है। एक सेवन लग्जरी वेरियंट की बैजिंग जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। गाड़ी को करते हैं अनलॉक। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन प्लेट की लाइट है वो भी आपको LED मिलती है। ये गाड़ी जो है ये 7 सीटिंग ऑप्शन के साथ मिलती है, इसमें आप 5 सीटिंग ऑप्शन भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे टूल किट को कितने अच्छे तरीके से अरेंज किया हुआ है। साथ ही में स्पेयर टायर जो है वो आपको नीचे की तरफ मिलेगा। स्पेयर टायर की साइज जो है वो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। साथ ही में आप देखेंगे कि जब थर्ड रो को आप फोल्ड कर लेते हैं तो आपके पास जो है बूट स्पेस काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है निकल कर आ जाता है। गाड़ी में जो है आपको टोटल 6 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। मिडल सीट जो है उसमें जो मिडल पैसेंजर है उसके लिए जो है आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट जो है वो मिलेगा। सेकेंड रो सीट जो है वो आपको 60-40 स्प्लिट ऑप्शन के साथ मिलती है, और थर्ड रो सीट जो है वो आपको 50-50 स्प्लिट ऑप्शन के साथ मिलती है। रियर पैसेंजर्स के लिए भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है कप होल्डर मिल जाता है, साथ ही में सब ऊपर की प्लेसमेंट जो है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। एयर वेंट जो है रियर पैसेंजर्स के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे। साथ ही में आप देखेंगे इस गाड़ी में सोनी का 3D सराउंड सिस्टम आता है, तो आप देख सकते हैं ऊपर रूफ में भी जो है आपको स्पीकर प्लेस किया हुआ मिल जाएगा। सनरूफ जो है वो आपको पैनोरामिक मिलता है इस गाड़ी में। बूट को क्लोज करने के लिए यहाँ पे जो आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। फ्यूल टैंक का एक्सेस जो है वो आपको लेफ्ट साइड में मिलता है, और इसकी कैपेसिटी है 60 लीटर की। साथ ही में आप देखेंगे DF के लिए भी जो है यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाता है। एड्रेनोक्स की बैजिंग जो है वो आपको मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे सिल्वर फिनिश जो है वो यहाँ पे आपको साइड में मिलेगी, वो कहीं ना कहीं है जो है आपको क्रोम का लुक जो है वो प्रोवाइड करती है। साथ ही में आप देखेंगे कि जो थर्ड रो क्वार्टर पैनल है वो कितना अच्छा यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, विंडोज़ की जो साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छी है। साथ ही में आप देखेंगे कि जो बॉडी क्लैडिंग है वो भी ज़्यादा थिक जो है यहाँ पे आपको नहीं मिलती, मीन्स इनकी जो साइज़ है वो डिसेंट है, देखने में काफ़ी सिंपल सोबर जो है वो आपको लगेगी। दोस्तों सेकेंड रो कम्फर्ट जो है वो इस गाड़ी का काफ़ी शानदार जो है वो मेरे को लगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं थाई सपोर्ट कितना अच्छा है, लेग रूम कितना अच्छा है, साथ ही में रियर सपोर्ट जो है वो भी काफ़ी शानदार है। मिडल में जो है आपको आर्म रेस्ट भी मिल जाता है। आप देखेंगे हेडरूम कितना अच्छा है जो है यहाँ पे आपको मिलता है। साथ ही में आप देखेंगे ग्रैब हैंडल, टोइंग हुक जो है वो भी आपको दिया हुआ है। LED लाइट जो है वो आपको कैबिन में मिलती है दोनों ही साइड। चलो आप देखेंगे कि जो है लेदर का यूज़ कितना अच्छा किया हुआ है। यहाँ पर जो है लेदर का यूज़ होने के कारण जो है गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम जो है वो लगती है, और काफ़ी अच्छी फिनिश जो इसकी है। बीच कलर का कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे रखा हुआ है, ब्लैक एंड बीच का। और को पैसेंजर साइड जो है आपको बोस मोड मिलता है, जिससे आप गाड़ी की सीट जो है वो बिल्कुल आगे कर सकते हैं और अपना एक्स्ट्रा लेग रूम जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही में आप देखेंगे पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको मिलता है। कर्टन जो है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाता है। रियर पैसेंजर्स के लिए जो है यहाँ पर आपको एयर वेंट मिल जाते हैं, Type-C फास्ट चार्जर मिल जाता है, और मोबाइल को रखने के लिए आपको जो स्पेस मिल जाता है। डोर्स के पीछे आपको पॉकेट्स भी दी हुई है। सीट बेल्ट जो है वो आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, मीन्स हाइट एडजस्टमेंट के साथ जो है आपको सीट बेल्ट मिल जाते हैं। गाड़ी में जो है आपको एयरबैग की बैजिंग सभी तरफ जो है देखने को मिल जाएगी, क्योंकि गाड़ी में जो है आपको टोटल 6 एयरबैग जो है वो मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड डोर पैनल आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको सेम ब्लैक एंड बीच का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपको मेमोरी सीट्स जो है वो भी मिल जाती है, और ये जो शेप है ये कहीं ना कहीं मर्सिडीज से इंस्पायर्ड जो है आप इसको कह सकते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जो है आपको सीट मिलती है ड्राइवर साइड। डोर हैंडल जो है वो आपको सिल्वर फिनिश में मिलेगा। साथ ही में आप देखेंगे ORM एडजस्टमेंट कंट्रोल्स, ऑल 4 पावर विंडो कंट्रोल्स जो है वो आपको दिए हुए हैं, और यहाँ पे जो है आपको सॉफ्ट टच का इस्तेमाल मिलेगा। नीचे आपको 1 लीटर बॉटल स्पेस, स्पीकर की प्लेसमेंट, साथ में जो है आपको लाइट्स भी मिल जाती है, जिससे आपका डोर नाइट के टाइम ओपन हो तो पीछे से आने वाली गाड़ी को
पता चले। ड्राइवर साइड सीट जो है वो आपको वेलकम फीचर के साथ मिलती है, मीन्स जब गाड़ी आप अनलॉक करते हैं और डोर ओपन करते हैं तो सीट जो है वो अपने आप पीछे की तरफ जाती है, और जब आप गाड़ी का डोर लॉक कर लेते हैं तो सीट जो है अपने आप अपनी पोजीशन पे जो है वो आ जाती है। डोर पिलर पे आप देखेंगे सोनी का ट्विटर जो है वो आपको मिल जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले आपको बताया कि इस गाड़ी में जो है सोनी का 3D सराउंड सिस्टम जो है वो आपको ऑफर किया जाता है। डैशबोर्ड के राइट साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपको सॉफ्ट टच का इस्तेमाल किया हुआ मिलेगा। एयर वेंट जो है वो आपको मिल जाता है, उसी के सराउंड जो है आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है। नीचे जो है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है, आइडल स्टार्ट स्टॉप, हिल असिस्ट का बटन जो है वो आपको दिया हुआ है, साथ ही में हेडलाइट लेवलिंग स्विच जो है वो आपको मिल जाता है। बोनेट ओपन करने के लिए नीचे आपको लीवर मिल जाता है। ABC पेडल्स जो है वो आप देख सकते हैं, साथ ही में आपको जो है डेड पेडल भी मिल जाता है। स्टेयरिंग जो है वो आपको लेदर रैप मिलता है, नीचे से आपको फ्लैट बॉटम। साथ में एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट जो है वो आपको मिलते हैं। बटन्स आप देख सकते हैं ग्लोसी फिनिश में मिल जाते हैं, जबकि स्कॉर्पियन के टॉप मॉडल में भी आपको ग्लोसी फिनिश का यूज़ किया हुआ नहीं मिलता। राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन्स मिल जाते हैं, और लेफ्ट साइड में जो आपको मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बीच में आप देखेंगे महिंद्रा की न्यू ट्विन पीस लोगो, एयरबैग की बैजिंग, साथ में नीचे सिल्वर फिनिश का यूज़ जो है वो आपको मिल जाएगा। टॉगल्स की बात करें तो राइट साइड के टॉगल में जो है आपको हेडलैम्प के कंट्रोल मिलेंगे, और इस गाड़ी में जो आपको ऑटो हेडलैम्प और ऑटो वाइपर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड के टॉगल में जो आपको वाइपर कंट्रोल्स दिए हुए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो आपको कनेक्टिंग मिलते हैं, मीन्स सिंगल डिस्प्ले जो है वो आपको यहाँ पे दी हुई है। और अगर इनकी साइज़ की बात करें तो आपको जो है 10.25 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप देखेंगे कितना ज़्यादा स्पोर्टी जो है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, मीन्स यहाँ पे जो है आपको एनालॉग डायल्स तो मिलते हैं लेकिन वो डिजिटली मिलते हैं। लेफ्ट साइड में जो है आपको स्पीडोमीटर, राइट साइड में आपको RPM मीटर मिल जाता है, बीच में जो आपको MID मिलती है जिसमें ट्रिप ए, ट्रिप बी, साथ में नेविगेशन, फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फो सब कुछ जो है वो आपको शो होता है। इसमें जो आप मैप भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे आपको वार्निंग लाइट्स मिल जाती है। सेटिंग में आप देखेंगे सारी सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, एडास की सेटिंग, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर सब कुछ जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं। पैसेंजर एयरबैग ऑन है, ऑफ है, क्या कुछ है वो आप देख सकते हैं। गाड़ी की की जो है वो आपको कुछ इस प्रकार की मिलती है, ऊपर लॉक का बटन, बीच में जो है बूट एक्सेस करने का बटन, और नीचे जो है गाड़ी को अनलॉक करने का बटन जो है वो मिल जाता है। फ्लिप की जो है वो आपको मिल जाती है, लेकिन इस गाड़ी में जो आपको पुश स्टार्ट बटन ऑफर किया हुआ है वो आप देख सकते हैं। सिल्वर फिनिश का यूज़ जो है वो डैशबोर्ड पे भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया हुआ है, सॉफ्ट टच का इस्तेमाल, साथ में आप देखेंगे स्टिचिंग जो है वो भी आपको मिल जाती है। एड्रेनोक्स की बैजिंग जो है वो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी मिल जाती है। डिस्प्ले आप देख सकते हैं, इसमें आपको जो है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, USB, नेविगेशन, उसके अलावा जो है एप्लीकेशन जो है वो भी मिल जाती हैं, जैसे कि जस्ट डायल हुआ, न्यूज़ अपडेट हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो है वो आपको मिलता है। ऊपर से आप देख सकते हैं SOS के लिए बटन जो है वो आपको मिल जाता है टच के अंदर, रोड साइड असिस्ट, वैलेट मोड जो है वो आपको मिल जाता है, मीन्स अब जब आप गाड़ी अपनी वैले में देते हैं तो आपको एक सेपरेट मोड जो है वो मिल जाता है। नीचे आपको एयर वेंट्स मिल जाते हैं। डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं सिल्वर फिनिश का यूज़ किया हुआ मिल जाता है। नीचे जो है आपको पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया हुआ मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम जो है लगता है, लेकिन इसमें जो है स्क्रैचेस वगैरह जो है वो आ सकते हैं। साथ में आप देखेंगे फिंगरप्रिंट जो है वो भी काफ़ी ईजिली यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है डुअल जोन ऑटो क्लाइमेट AC, मीन्स यहाँ पे जो है दोनों पैसेंजर्स जो है वो अपना अपना सेपरेट टेम्परेचर जो है वो सेट कर सकते हैं। नीचे जो आपको एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड बटन्स मिल जाते हैं, जो कि आज के टाइम में थार, स्कॉर्पियन सब में आपको मिलते हैं। ड्राइव मोड जो है वो भी आपको मिल जाते हैं, जिप, जैप एंड जूम, साथ ही में कस्टम ड्राइव मोड जो है वो भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा जो है वो भी आपको मिल जाता है, आप देख सकते हैं क्लियरिटी कितनी अच्छी है, लेकिन इसकी जो साइज है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। उसके अलावा आप देख सकते हैं अलग अलग एंगल्स जो है वो आप इसका देख सकते हैं, और जब आप इसका साइड व्यू लेते हैं तो आपको साइड व्यू भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट का टायर आपको शो हो रहा है, जैसे कि ये लेफ्ट साइड का टायर है, और जब मैं राइट साइड क्लिक करता हूँ तो राइट साइड का टायर जो है वो यहाँ पर शो होने लग जाता है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको फास्ट टाइप USB चार्जर जो है वो मिल जाता है, साथ में USB का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है,
मोबाइल रखने के लिए स्पेस जो है वो भी आपको मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग पैड जो है वो भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है। साथ में आप देखेंगे 6 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स, आप चाहे पेट्रोल ले चाहे डीजल ले, मैनुअल में जो है आपको 6 स्पीड मैनुअल ही मिलेगा। कैमरा क्वालिटी जो है वो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है, जर्की जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। साथ में आप देखेंगे आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जो है वो आपको मिल जाता है, साथ में ऑटो होल्ड का ऑप्शन जो है वो भी आपको मिल जाता है। पीछे आपको एक नॉब दी हुई है जिससे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल मर्सिडीज वाली फीलिंग जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। दो कप होल्डर जो है वो दिए हुए हैं, आर्मरेस्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट टच के साथ आपको मिल जाता है। इसमें जो है आपको डिसेंट स्टोरेज स्पेस जो है वो भी मिल जाता है। आर्मरेस्ट के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है की का सिंबल जो है वो बना हुआ है। ये किस लिए बना हुआ है कि जब गाड़ी में कोई अपडेट आता है की से रिलेटेड, या फिर जब आपको इसकी सेकंड की मिलती है और आप गाड़ी के साथ उस की को लिंक करते हैं तो वो यहीं से होगी। आपको जो है की इसमें रखनी होगी, गाड़ी जो है इस की का डेटा अपने अकॉर्डिंग एनालाइज करेगी और फिर जो आपकी की सेकंड की जो है वो ऑन होगी। IRVM जो है वो आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ मिलता है और इसकी जो साइज है वो भी काफ़ी छोटी है, और आई थिंक इस वेरिएंट में या फिर इस प्राइस पॉइंट में जो है आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिलना चाहिए था। साथ में आप देखेंगे सनग्लास होल्डर जो है वो आपको मिल जाता है, SOS का फिजिकल बटन जो है वो भी आपको दिया हुआ है, साथ में कैबिन लाइट जो है वो भी आपको अच्छी मिलती है, साथ में यहाँ पे जो आपको MMET लाइट भी मिल जाती है, माइक की प्लेसमेंट, सनरूफ का कंट्रोल। सनरूफ जो है वो आपको पैनोरामिक मिल जाता है। को पैसेंजर सन वाइजर में जो है आपको वैनिटी मिरर मिलता है, लाइट का ऑप्शन भी मिलता है, व्हाइट लाइट जो है वो आपको मिल जाती है, और ड्राइवर साइड सन वाइजर में जो है आपको कुछ भी नहीं मिलता, मीन्स यहाँ पे टिकट होल्डर भी नहीं दिया हुआ है। फ्रंट स्पीकर जो है वो बिल्कुल आपके सर के ऊपर आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये साउंड इतना पसंद ना भी आए, गाड़ी का जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा है। ग्लो बॉक्स जो है वो आपको नॉर्मल मिलता है, और इसमें आप देख सकते हैं नीचे जो है आपको एक स्ट्रैप भी दी हुई है जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो इसमें आप रख सकते हैं। ऊपर जो है आपको सेपरेट टैबलेट होल्डर जो है वो दिया हुआ है। गाड़ी ओवरऑल जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है और काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए इस गाड़ी को यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट कार है। और इसके कॉम्पिटिशन की बात मैंने आपको बताई दी, इसके कॉम्पिटिशन में आपको सफारी मिलती है, हुंडई की अल्कांतारा मिलती है, या फिर इससे अपर सेगमेंट में अगर आप जाएं तो इनोवा क्रिस्टा मिल जाती है। दोस्तों अगर इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो इस गाड़ी में जो आपको टोटल 7 एयरबैग मिलते हैं इस वेरिएंट में। उसके अलावा इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS विथ EBD, इंजन इमोबिलाइजर, आइसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी फीचर, इसके अदर सेफ्टी फीचर जो है वो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। साथ ही में ये जो वेरियंट है XUV700AX7 लग्जरी डीजल 4x2 मैनुअल, इसकी एक्स शोरूम कॉस्ट है 23,48,000 रुपये। ऑन रोड जो है ये वेरिएंट लगभग आपको 26 से 27 लाख के आसपास मिलेगा। इसके अलावा ये जो गाड़ी है ये आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ मिलती है, क्योंकि ये गाड़ी जब आई थी तो उस टाइम क्या हुआ कि इस गाड़ी की हाइप बनी थी कि इस गाड़ी का टेल गेट जो है वो फाइबर का है, लेकिन जब इस गाड़ी ने क्रैश टेस्ट में 5 स्टार अचीव किए तो सबके जो है होश उड़ गए थे। ये था XUV700 का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्द से जल्द जो है हमारा 100K का गोल जो है वो कंप्लीट करवा दें। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, फॉलो फॉर मोर।